मैं डॉक्टर हनीश बजाज, मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ। ये हमारी पूरी टीम है चिकित्सा प्रकोष्ठ बीजेपी की, जिसके तहत हम काफ़ी सामाजिक कार्य करते रहते हैं। तो ये आज हमने ब्लड डोनेशन का कैंप ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि 14 तारीख को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है। चिकित्सा प्रकोष्ठ के थ्रू आज हमने डॉक्टर्स ने सबने ये एक इनिशिएटिव लिया है रक्तदान शिविर लगाने का। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मीडिया से भी यही गुजारिश है और सब डॉक्टरों का भी यही प्रयास है कि हम इस चीज़ को जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकें और जितना ज़्यादा ब्लड डोनेट करा सकें, तो वो किसी न किसी की जान बचाने के लिए हमेशा लाभदायक होगा। और ये आपसे भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पिलर हो आप हमारी डेमोक्रेसी का, तो जनता तक ये चीज़ ज़रूर पहुँचाएँ कि रक्तदान करने से किसी को कोई खतरा नहीं है और किसी की जान ज़रूर बचाई जा सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको नियम अनुसार कुछ कुछ समय के बाद रक्तदान अवश्य करना चाहिए। इससे आपके अंदर बॉडी में कार्डियोवैस्कुलर जो हेल्थ इश्यूज आते हैं उसे आपको उससे प्रिवेंशन मिलती है और आप बहुत सारी जो रोग हैं उनसे आपको प्रतिरोधक क्षमता भी जनरेट होती है बॉडी के अंदर। तो ये एक बिल्कुल मिथ है और इससे हमें समाज में फैलाना चाहिए, मतलब सबको जागरूक करना चाहिए कि ये गलत धारणा है जो हमारे बीच में है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ही हफ्तों में आपका नया जो ब्लड है वो बॉडी रिकवर कर लेती है और आप काफ़ी हेल्दी फील करते हैं। इट शुड बी इन सम एवरीबॉडीज रूटीन।